क्या आप भी डीटीसी बस से आते जाते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको अपनी सीट से उठकर टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप व्हाट्सएप के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। जो लोग डेली बेसिस पर बसेस से ट्रैवल करते हैं उनके लिए ऐप के जरिए टिकट बुक करने का प्रोसेस बहुत ही सरल है। आपको बता दें कि इससे पहले व्हाट्सएप ने डीएमआरसी के साथ पार्टनरशिप करके यात्रियों को व्हाट्सएप के जरिए मेट्रो टिकट बुक करने की सुविधा दी थी, लेकिन अब डीटीसी बस से अगर आप सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ये अच्छी खबर है, आपकी जिंदगी को जीवन को आसान बनाने वाली खबर है, क्योंकि आपको सीट से उठना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक ऐप दरअसल आ गया है। क्या है फीचर का नाम, ये आप जानें। फीचर का नाम QR टिकटिंग DTC कम्यूटर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। बस के टिकट्स को डायरेक्टली व्हाट्सएप से आप बुक कर सकते हैं। बस के सफर को काफी आप आरामदायक बना सकते हैं अपने, क्योंकि आपको सीट से उठना नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बस में भीड़ बहुत ज्यादा होती है और उस भीड़ में खासतौर पर गर्मी के मौसम में भीड़ को पार करते हुए जाना, टिकट खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए पैदा करता होगा यकीनन, लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करें इस फीचर को, अब आप ये समझिए। यूजर्स को सिर्फ ऐप ओपन करना होगा, एक नंबर पर या फिर QR कोड को स्कैन करना होगा, अपनी भाषा सेलेक्ट करनी होगी, हिंदी और इंग्लिश दो ही ऑप्शन जिसमें है। अपनी भाषा सेलेक्ट करने के बाद आप आसानी से टिकट खरीद सकते हैं। टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है व्हाट्सएप की मदद से। आपको बता देते हैं कि व्हाट्सएप की मदद से टिकट आप आसानी से बुक कर सकते हैं, और DTC बस का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं भी जाने के लिए, किसी भी रूट पर जाने के लिए, आप आसानी से टिकट अपना व्हाट्सएप की मदद से बुक कर सकते हैं। टिकट करने का आसान तरीका क्या है, अब ये आप जानिए। व्हाट्सएप की देखिए मदद आपको चाहिए होगी, व्हाट्सएप की मदद से टिकट बुक करें आप। एक नंबर जारी किया गया है 8744073223, नंबर पर आप HI लिखकर भेजें, यानी कि हाई लिखकर भेजें, DTC लोगो और उसका नाम लिखा होगा। हाई भेजने के बाद भाषा का आपको चुनाव करना होगा। बुक टिकट पर आप क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड टिकट करेंगे, लास्ट ट्रांजैक्शन के विकल्प पर आपको जाना होगा। इसके बाद टिकट बुकिंग के लिए बुक टिकट का विकल्प आपको चुनना होगा, फिर आपको अपनी डेस्टिनेशन के साथ ही लोकेशन भी सेलेक्ट करनी होगी। आपको टिकट बुकिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाना होगा, पेमेंट करके अपनी टिकट आपको बुक करनी होगी। आप डाउनलोड करके प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं ताकि और ज्यादा परेशानी आपको ना हो। तो कुछ ही मिनटों का, एक मिनट का महज ये पूरा प्रोसेस है, जो आपके पूरे सफर को आरामदायक, आसान और मुश्किलों से अलग सुविधाजनक बना सकता है। आगे बढ़ेंगे। 24